आंदोलन का आज 10वां दिन है। किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। आज किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से वार्ता होगी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये वार्ता प्रस्तावित की गई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज बात बन सकती है और शाम तक आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो किसान संगठनों ने सरकार को 8 दिसंबर को भारत बंद की चेतावनी भी दे दी है। तो अगर मांगे नहीं मानी गई तो किसान 8 दिसंबर को देश बंद करेंगे, यानी कि भारत बंद का ऐलान कर दिया है किसानों ने। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन। किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं। किसान और सरकार के बीच में, किसानों और सरकार के बीच में जो वार्ता है वो दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में प्रस्तावित की गई। और आइए सीधा रुक कर रहे हैं प्रमोद शर्मा की ओर। इस वक्त हमारे साथ में बने हुए हैं प्रमोद, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं और तमाम इस आंदोलन की गतिविधियों पर आप नजर बनाए हुए हैं, फिलहाल क्या ताजा जानकारी? आज जो वार्ता है वो होनी है, 2 बजे का वक्त तय किया गया है, लेकिन अल्टीमेटम भी दे दिया गया, अगर नहीं माना, अगर बातें नहीं मानी गई तो फिर भारत बंद की चेतावनी किसानों की ओर से। बिल्कुल गीतांजलि, इस वक्त मैं दिल्ली और गाज़ियाबाद के बीच का गाज़ीपुर बॉर्डर है वहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ काफ़ी सारे किसान हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आज की जो वार्ता है उसमें कोई हल नहीं निकलता है, कोई नतीजा नहीं निकलता है तो उसके बाद 8 तारीख को पूरे भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है, पहले सिर्फ दिल्ली और हरियाणा का सिंधु बॉर्डर ब्लॉक किया था, उसके बाद अलग अलग जो बॉर्डर हैं वहाँ पे किसान, यूपी के किसान भी आके बैठ गए हैं, यानी आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है और सरकार भी लगातार किसान नेताओं से बातचीत कर रही है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसे में आने वाले वक्त में इस आंदोलन का अंत कैसे होगा, ये किसी अंजाम तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, ये आज की वार्ता के ऊपर निर्भर है। लेकिन हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, सरकार लगातार बात कर रही है, सरकार का कहना है MSP पहले भी थी, अभी भी है और MSP आगे भी जारी रहेगी, मंडियां ख़त्म नहीं होगी, कई तरीके के आश्वासन दिए हैं। ऐसे में अब क्या अगर सरकार किसानों की MSP को लेकर या मंडी को लेकर या फिर ऊपरी अदालत पे जाने को लेकर बात मान लेती है तो ये आंदोलन ख़त्म होगा या फिर उसके बाद भी कुछ मांगे आप लोगों की हैं? नहीं देखिए, पहले तो सरकार किसानों को तोड़ना चाह रही है, ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं, ये पूरे राष्ट्र का आंदोलन है और राष्ट्र का नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। पहले तो सरकार अपने दिमाग में से ये बात निकाल दे। दूसरी बात, जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो उसमें लाखों सुझाव मांगे गए। भाई आप कानून बना रहे थे तो किसानों से सुझाव मांगते, किसानों के साथ बैठ के करते। आप जब किसान कानून बनाने के बाद भी जब किसानों के प्रतिनिधि आए तो कृषि भवन में एक अंडर सेक्रेटरी को भेज दिया बात करने के लिए किसानों से, खुद कृषि मंत्री क्यों नहीं आए? और मैं मानता हूँ कृषि मंत्री पे कई चार्ज हैं, उन पे ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन पे और भी मंत्रालय हैं, फुल कृषि मंत्रालय कृषि मंत्री नहीं है। काश कोई कृषि मंत्री किसानों के ऐसे परिवार से होता, लोग पार्टी में है, इस पार्टी में ऐसे किसान नेता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से कोई होता। देखिए राजनीति में कोई किसान जो है वो किसानों के हित की बात अभी तक नहीं समझता है। तो एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि सरकार जो वादे कर रही है उन वादों पे आपको भरोसा होगा या फिर आप अपनी मांगों पे तब तक अड़े रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा? हमारा तो ये है कि कृषि आयोग का गठन के लिए कहा गया था लेकिन ये तो किसान के ऊपर बेमतलब का हमारा हिसाब किताब हमें तो नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी देख लीजिए हिसाब किताब, जो समर्थन मूल्य है उससे बहुत घाटे में किसान का माल खरीदा जा रहा है। चलिए किसानों की उसमें अपनी समस्याएं हैं प्रमोद, लिखित में दे दे कि उस बिल्कुल प्रमोद, किसानों की अपनी समस्याएं हैं और इन्हीं बातों को लेकर अड़े हैं किसान और साफ कर चुके हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर भारत बंद का ऐलान भी कर चुके हैं। आइए और ताजा स्थिति जानने के लिए हम नितिन की ओर रुक कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। नितिन आप भी वहां पर मौजूद हैं, चारों ओर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसान अब केवल हरियाणा से या पंजाब से नहीं है, अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह से किसान जो है वो जुड़ गए हैं। ऐसे में बॉर्डर पर किस तरह की जो आवाजाही है वो देखी जा रही है, किस तरह का वहां सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ वहां से ताजा हालात इस वक्त?
कौन दिन का धरना हटा रहे मेरे किसान मजदूर नौजवान ते मतावा भैणा फतेह की छांज पई है। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। हितेन आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए हितेन से जुड़ेंगे, लेकिन प्रमोद की एक बार आप फिर से प्रमोद की ओर रुक कर रहे हैं। प्रमोद, आप वहां पर मौजूद हैं, किसानों की अपनी समस्याएं हैं, किसान साफ कर चुके हैं कि अगर नहीं मांगे मानी तो फिर भारत बंद का जो ऐलान है वो भी कर चुके हैं। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है अब किसानों को संतुष्ट करना और उन तमाम मांगों को मानना जिसके किसान जो है मांग कर रहे हैं। बहरहाल चलिए दोबारा जुड़ेंगे प्रमोद से, लेकिन फिलहाल ताजा हालात क्या कह रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। किसानों का डर क्या है और सरकार किस तरह से इस पर बचाव कर रही है, ये जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज किसानों को तो इस पूरे मसले को अगर देखा जाए, आखिरी दिन हो सकता है इस आंदोलन का, इसीलिए आज बैठक के पहले गृह मंत्री अमित शाह जो इतने दिनों से कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चर्चा करते दिख रहे थे, पीयूष गोयल के साथ चर्चा करते दिख रहे थे, आज सीधे वो पीएम आवास पहुंचे, प्रधानमंत्री से बैठक चल रही है। सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री भी पीएम आवास पहुंचे हैं। अब सीधे तौर पर इस आंदोलन की को समाप्त करने की कमान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले ली है। आज वो बैठक करेंगे मंत्रियों के साथ, उसके बाद उन्होंने जो बताया होगा उसी हिसाब से किसानों को जो है मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये किसान अड़े हुए, इन्होंने पिछली मीटिंग में भी लक्ष्मी साफ कह दिया था कि अब तभी बुलाना जब आप कोई नतीजे पर आने वाले हो या फिर जब आप लिखित में देने को तैयार हो जाओगे कि इस तारीख को संसद का सत्र आना है और इसी तारीख को हम ये कानून रद्द करने जा रहे, उसके पहले ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। ये मांग साफ साफ पिछली तमाम बैठकों में किसानों ने जो है सरकार को कह दिए। अब सरकार कहीं ना कहीं अब इन बातों को जो है पिछली बैठक में जो 7 घंटे लगातार किसान एक ही बात कहते रहे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है अब सीधा प्रधानमंत्री के पास पहुंचा है। सरकार गंभीर थी, पहले भी गंभीर थी किसान आंदोलन को लेके, लेकिन अब स्थिति उन्हें लगा कि उनके हाथ से निकल चुकी है, तब जाके ये सारे नेता जो है अब सीधे पीएम आवास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री से चर्चा चल रही है, हो सकता है प्रधानमंत्री से जो सलाह ली जाएगी उसी आधार पर। बिल्कुल आधार अब देखना होगा कि क्या होगा। हितेन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, ताजा हालात हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।